गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल निर्मल विद्या। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ जनरल इंग्लिश का लेसन टू, अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई के फर्स्ट वीडियो में मैंने लेसन को एक्सप्लेन किया था, और वीडियो के सेकेंड पार्ट में अब हम करेंगे वर्ड पावर और कॉम्प्रिहेंशन। तो वर्ड पावर देखो बच्चों, मैच द फॉलोइंग वेज ऑफ लुकिंग विद देयर मीनिंग्स। ए और बी पार्ट में दोनों को मैच करना है। तो ए पार्ट में देखो, फर्स्ट पियर, पियर मीन्स क्लोजली, फाइंडिंग इट हार्ड टू मेक थिंग्स आउट। सेकेंड है ए पार्ट का ग्लांस, ग्लांस मीन्स है क्विकली। थर्ड है स्टेयर, स्टेयर मीन्स फिक्सली। और फोर्थ है ए पार्ट में ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स इन अ साइंटिफिक काइंड ऑफ वे। और ए पार्ट का लास्ट है विटनेस, विटनेस का जो आंसर है बी पार्ट में, एज ए क्राइम और एक्सीडेंट ऑकर्स। अब देखते हैं बच्चों कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन देखो बच्चों, इसमें है क्वेश्चनर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन देखो, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। मिनी बालकनी में क्या कर रही थी, इसका आंसर है मिनी वाज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। मिनी पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। क्वेश्चन टू है, व्हाई वाज हर मदर वरीड एज मिनी सेट इन द बालकनी। मिनी की माँ जब मिनी बालकनी में बैठी थी तो क्यों चिंतित थी, इसका उत्तर है मिनीज मदर वाज वरीड बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स वर ब्लोइंग आउटसाइड, रेन्स वर अबाउट टू फॉल। मिनीज मदर डिड नॉट वॉन्ट हर टू गेट वेट। मिनी की माँ उसे गीला होते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती थी, इसीलिए उसकी माँ चिंतित थी। क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन देखो, वट डिसएबिलिटी डिड शी हैव। मिनी में शारीरिक कमी क्या थी, डिसएबिलिटी मीन्स अयोग्यता, क्या अयोग्यता थी, इसका उत्तर है मिनी वाज ए स्पैस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ, शी कुड नाइदर वॉक नॉर बटन अप हर शर्ट। मिनी एक पक्षाघात से पीड़ित लड़की थी, जो जिसका अपने हाथों और पैरों पर जन्म से ही कोई नियंत्रण नहीं था। वह ना तो चल सकती थी, ना ही अपनी शर्ट के बटन लगा सकती थी। क्वेश्चन फोर देखो, बीइंग स्पेसिफिक, व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट। अपंग होने के कारण मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी, इसका उत्तर देखो बीइंग स्पेसिफिक मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट, शी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ, बट शी कुड क्रॉल, शी हैड ऑल्सो लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट, शी कुड ऑल्सो मैनेज हर व्हील चेयर। अपंग होने के कारण मिनी ना तो चल सकती थी, ना ही शर्ट के बटन लगा सकती थी, जन्म से ही उसका अपने हाथों पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं था, किंतु वह रेंग सकती थी। उसने हाथ से ब्रश करना और चम्मच से खाना भी सीख लिया था, वह अपनी व्हील चेयर भी चला सकती थी। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर। पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त क्यों नहीं बने थे, आंसर देखो द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर बिकॉज शी कुड नॉट वॉक और प्ले, शी कुड मूव ओनली इन अ व्हील चेयर। पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त इसलिए नहीं बने क्योंकि वह ना तो चल सकती थी और ना ही खेल सकती थी, वह केवल अपनी व्हील चेयर में ही घूम सकती थी।
आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप। उसकी गोद में बॉल जो गिरी थी वो क्या थी? उसका आंसर है द थिंग दैट फेल इन हर लैप वाज नॉट ए बॉल एट ऑल बट अ बर्ड। इट वाज सिटिंग इन हर लैप ऑल क्लोज्ड अप इन फियर। इट वाज अ डक हु मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड दैट वाज ब्लोइंग। उसकी गोद में गिरने वाली वस्तु बॉल नहीं, एक पक्षी था या चिड़िया थी जो उसकी गोद में गिरी थी। डर कर सिकुड़ी हुई वह एक बतख थी जो तेज हवा के बहाव में अपना रास्ता भूल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैड हैपन्ड टू द बर्ड। बर्ड यानी पक्षी को क्या हुआ था या बतख को क्या हुआ था? इसका उत्तर है द बर्ड वाज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड। मीनवाइल ही हैड हर्ड हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स इन हिज अफर्ट्स टू रिजॉइन हिज वेट्स। बतख अपने साथियों के साथ अपने स्थायी निवास की ओर उड़ रही थी। रास्ते में तेज हवा के कारण रास्ता भटक गई। इस बीच उसने अपने साथियों को ढूंढने का प्रयास किया जिससे उसके पंखों में चोट लग गई या उसके पंख जख्मी हो गए। क्वेश्चन 8 देखो, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप। जब मिनी की माँ ने उसे उठाना चाहा या पकड़ना चाहा तो बतख की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर है व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक द डक ही सडनली नेव्ड हर हेड। जब मिनी की माँ ने बतख को उठाना चाहा तो बतख ने उसकी माँ के हाथ में काट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। आपके अनुसार या आप क्या सोचते हैं कि बतख ने कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर दिया? इसका उत्तर है द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग परहैप्स बिकॉज ही वॉज फेयरफुल। अनदर रीजन मे बी दैट ही वॉज इंजर्ड एंड फाउंड हिमसेल्फ इन ए स्ट्रेंज प्लेस। बतख ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह डरी हुई थी, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो घायल भी थी और उसने स्वयं को अजनबी स्थान पर पाया, अजनबी लोगों के बीच में वो डर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द बर्ड फेड। बतख को किस प्रकार खिलाया गया? उसका उत्तर है द बर्ड वाज फेड विद सम कुक्ड राइस इन अ बाउल। इट कंटेन मिल्क एंड शुगर। द बर्ड्स बीक वॉज ओपन एंड ही वॉज फेड विद एन इंपेलर। बच्चों इसका एक दूसरा, अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखना हो तो इसका सिंपल सा आंसर ये है द बर्ड वॉज फेड विथ एन इंपेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्र। आपके अनुसार मिनी ने बतख का नाम मित्र क्यों रखा? आंसर देखो, मिनी हैड नो फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड ड्यू टू हर फिजिकल डिसेबिलिटी। शी वांटेड टू मेक अ फ्रेंड सो शी फाउंड अ फ्रेंड इन द बर्ड एंड नेम्ड हर मित्र। मिनी अपनी डिसेबिलिटी के कारण उसका कोई भी मित्र नहीं था। वह एक दोस्त बनाना चाहती थी और वह दोस्त उसे बतख में दिखाई दिया, इसीलिए उसका नाम मित्र रखा उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज मिनीज रिएक्शन
when she found Mitra's basket empty in the morning. मित्र की जब बास्केट को उसने सुबह खाली देखा तो मिनी की क्या प्रतिक्रिया थी. When Minnie's found Mitra's basket empty in the morning, she was shocked. जब मिनी ने सुबह मित्र की बास्केट या डलिया को खाली देखा तो उसे बड़ा शॉक यानी धक्का लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों. Why did the neighborhood children come to Minnie's house? पड़ोस के बच्चे मिनी के घर क्यों आए? इसका आंसर है the neighborhood children came to Minnie's house out of excitement for the duck. They were thrilled to see the duck. पड़ोसी बच्चे को मिनी के डक को देखने आए थे और वो बतख को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट चेंज डिड द बर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टुवर्ड्स मिनी. मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में बतख किस प्रकार परिवर्तन ला सकी या बतख के आ जाने के बाद पड़ोसी बच्चों का मिनी के प्रति व्यवहार कैसे बदला. आंसर है द बर्ड बॉट ए कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ नेबरहुड चिल्ड्रन टूवर्ड्स मिनी. दे बिकम फ्रेंडली विथ मिनी. दे स्टार्टेड फीलिंग द एगोनी ऑफ मिनी. दे टुक मिनी डाउन टू द पार्क. मिनी नेवर फेल्ट लोनली. मिनी के प्रति पड़ोस के बच्चों के व्यवहार में पूरी तरह से बतख परिवर्तन ले आई. बच्चे मिनी के दोस्त बन गए. उन्होंने मिनी के दुख को महसूस करना शुरू कर दिया. वे मिनी को पार्क ले जाने लगे. मिनी ने फिर स्वयं को अकेला नहीं समझा. आगे देखो व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मेक. हाउ डिड शी कंपनसेट. अंजू ने क्या गलती की और उसे किस प्रकार सुधारा. आंसर देखो अंजू कॉल द बर्ड एज लेम एंड टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट इट वॉज वेरी हार्ड टू मेक हर फ्रेंड. बट शी सून रियलाइज हर मिस्टेक एंड कवर्ड हर माउथ टू हाइड इट. शी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स बिकम फ्रेंडली विथ मी. अंजू ने बतख को लंगड़ा बताकर कहा कि उसके अब उसे दोस्त बनाना कठिन है. किंतु उसे शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया. इसके बाद वह और अन्य सभी बच्चे मिनी के दोस्त बन गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल. बच्चों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर में आता है. आंसर देखो आफ्टर अ कपल ऑफ डेज द टाइम फॉर डक्स फेयरवेल केम. Minnie's father took all the children and the duck to a nearby lake. The children lifted Mitra from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming. The children stood there and watched for a long time. कुछ दिनों के पश्चात बतख की विदाई का समय आ गया. मिनी के पिता बतख को व सभी बच्चों को पास की झील में ले गए. बच्चों ने बतख को मिनी की गोद से उठाया और धीरे धीरे झील में छोड़ दिया. बतख उस पानी में तैरने लगी और बच्चे वहीं उसे खड़े होकर देर तक देखते रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट मिनी और द डक. व्हाई आपके अनुसार कहानी किसके विषय में है. मिनी के या बतख के और क्यों. आंसर है द स्टोरी इज प्राइमरली अबाउट मिनी. शी इज फिजिकली डिसेबल्ड. हर कंपैरिजन हैज बीन ड्रॉन विद द डक जस्ट एज द गर्ल इज डिसेबल्ड.
द डक इज ऑल्सो लेम, जस्ट एज द गर्ल इज अलोन, द डक इज ऑल्सो इन ए स्ट्रेंज प्लेस, जस्ट एज द गर्ल हैज नो फ्रेंड्स, द डक हैज ऑल्सो लॉस्ट हर फ्रेंड्स, जस्ट एज द गर्ल वॉन्ट्स कंपनी, द डक ऑल्सो वॉन्ट्स कंपनी, दिस कंपेरिजन हैज बीन ड्रॉन द हाईलाइट द मेंटल कंडीशन ऑफ द गर्ल मिनी. कहानी मुख्य रूप से मिनी के विषय में ही है. वह शारीरिक रूप से अपंग है. उसकी तुलना बतख से की गई है. जिस प्रकार लड़की अपंग है, बतख भी लंबी है. इस प्रकार लड़की अकेली है, बतख भी अनजाने स्थान पर है. इस प्रकार लड़की का कोई दोस्त नहीं है, बतख के दोस्त भी उससे बिछड़ गए हैं. इस प्रकार लड़की दोस्तों के साथ जाती है, बतख भी साथ जाते हैं. यह तुलना लड़की की मानसिक स्थिति को उजागर करने हेतु ही की गई है. इस लेसन में बस इतना ही बच्चों. वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ताकि फर्दर नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके. और अब मिलते हैं थर्ड लेसन के साथ. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ.